नमस्ते फ्रेंड्स, मिसेस सोम मेकर विथ न्यू आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नारियल लड्डू बनाने जा रही हूँ। आप इसे बिना चाशनी और बिना दूध के तैयार कर सकते हैं, एकदम मार्केट जैसा तैयार होगा, सॉफ्ट। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमने दो ताज़े नारियल को बीच से दो टुकड़ों में तोड़ लिया है। हमारे पास इस तरह का एक मैनुअल स्क्रैपर है जिसे हम नारियल घिसेंगे। फिर आप पतले ग्रेटर से नारियल को ग्रेट कर ले, या फिर आप मिक्सर जार में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। बस केवल आप इतना काम करिएगा कि नारियल का जो पीछे वाला काला पोर्शन होता है उसे आप छिलनी की सहायता से छील लीजिए। इससे आपके नारियल एकदम सफ़ेद बनेंगे। हमने स्क्रैपर से सारे नारियल को घिस लिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे नारियल हमारे निकल गए हैं। इस तरह का मैनुअल स्क्रैपर आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। इसे हमें एयर टाइट करना पड़ता है। इस स्क्रैपर का एयर टाइट सिस्टम थोड़ा सा लूज़ हो गया फ्रेंड्स, तो हमने बेस में थोड़ा पानी दिया है और उसके बाद इसे एयर टाइट कर लिया है। तो ये अब अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब इस स्क्रैप के हुए नारियल में हम 200 से 250 ग्राम चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर देंगे। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, आपको किसी तरह का चाशनी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छी तरह पूरा मिक्स कर दें। अब एक मोटे तले का बर्तन लें और लो फ्लेम में रख दें। अब इस चीनी और नारियल वाले मिश्रण को हम कढ़ाई में डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें भूनेंगे। ध्यान रखिए हमें लो फ्लेम में ही पकाना है इसे। इसमें हमें किसी तरह का पानी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ताजे नारियल में बन रहा है, तो ताजे नारियल में जो मॉइस्चर है उससे चीनी और नारियल मिक्स होकर अच्छी तरह बनेंगे। बस लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें पकाना है, हड़बड़ाना नहीं है, वरना नारियल का कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा और चाशनी ठीक से तैयार ना हो पाएगी। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अभी भी चीनी में दाने हैं। करीब 5 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए, तो अभी चीनी थोड़ी भी पिघली नहीं है। इस तरह चीनी पिघलती जाएगी तो हमारा नारियल लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे भूनते समय हम करीब 1 चम्मच पानी लेंगे और हल्का हल्का छीटा दे देंगे और मिक्स करेंगे। इसी तरह बीच बीच में हम पानी का छीटा देते रहेंगे। पानी का छीटा देने से नारियल हमारे टाइट नहीं बनेंगे, सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। बहुत ही हल्का हल्का पानी छीटना है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ध्यान से इसे चलाते रहें, ज़्यादा देर के लिए ना छोड़े, वरना नारियल का रंग चेंज हो जाएगा। अब मैं बहुत थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। आप इसके बदले गुलाब जल भी डाल सकते हैं और मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छी तरह पिघल चुकी है। आप एक बार चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं स्टेज में, आप लड्डू तैयार हो रहे हैं कि नहीं। अभी लड्डू नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा अभी हम और भूनेंगे। 5 मिनट भूनते हुए और हो गए हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, लड्डू अच्छी तरह बन जा रहे हैं। देखिए थोड़े भी टूट नहीं रहे हैं, यानी हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखिए अगर आपके भी ऐसे तैयार हो जाए तो समझिए आपके मिश्रण तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे।
वरना आपके हाथ जलने की संभावना रहेगी। आप थोड़ा थोड़ा लें, हाथों में पानी लगा लें और इस तरह बांधते जाएं। ध्यान रखिए, अगर आपके लड्डू इस तरह बन जाए तो आपके मिश्रण परफेक्टली तैयार हैं। अगर नहीं बनते होंगे तो लो फ्लेम पर ही और थोड़ा पका लीजिए। देखिए कितने शाइनी और वाइट हैं। मिश्रण को पूरी तरह ठंडा मत होने दीजिएगा। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको किसी तरह का एक तार या दो तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले आपको इतने आसान तरीके से नारियल लड्डू की रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी। अब हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं, बनाइए और खाइए फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।